Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today, a very interesting subject we are going to take, and that is about enlightenment. This is very, very popular topic among all the aspirants of spirituality and religion. And usually people pose this question, what is enlightenment? What is bodh? So, I have heard about this enlightenment from various gurus, and some important ones are Jaggi Vasudev, Eckhart Tolle, Mooji Baba, and there are so many others, Patanjali and so many others. Okay, so now as I was watching one video of Jaggi Vasudevji, and he was explaining about enlightenment. What he was saying is, enlightenment is the state of being in which you are free from what you have accumulated. We have accumulated what? We have accumulated this body and we have accumulated this mind, means impressions. Now, the one who is accumulating these two things is actually free. But people or we are not aware that we are free. Okay, this is the whole problem. This is the main issue, that we don't know that we have piled up these things as body and mind, but we actually are a free element. Now, to realize this fact that we are always free of these two elements, or we are always free from whatever we have accumulated in this life or in the previous life. So to realize this fact is called enlightenment, according to him. Now, some other say to know one's own nature, the true nature. Knowing the true nature is called enlightenment. Aadmi ka mool swabhav hota hai, the true nature, original nature. So to realize one's original nature, okay, is enlightenment. Now, today we'll be exploring this issue of enlightenment from the yogic science point of view. What yogic science proposes about enlightenment, or what is known as bodh in Hindi or in Sanskrit. Okay, Sharma ji, yogic science ke drishti se enlightenment jisko log bolte hain ya bodh ki sthiti bolte hain, वो क्या है? क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स हैं, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे लोग एनलाइटनमेंट की या बोध की बात करते हैं. आजकल तो ये बहुत एक फैशन सा बन गया है. आप जहाँ भी जाएंगे, जिस आश्रम में भी, तो बोध की बहुत चर्चाएं होती हैं, एनलाइटनमेंट की चर्चाएं होती हैं. लोग कहते हैं कि ये जो फलाने गुरु हैं, ये एनलाइटेंड है कि नहीं है. है ना, एनलाइटेंड मतलब रियलाइज, सच्चे गुरु, जिनको कि पूरा ज्ञान है कि नहीं है. ठीक है, तो ये एनलाइटनमेंट और हर आश्रमों में और हर जितने भी स्कूल्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, रिलीजन के, ठीक है, उन्होंने अलग अलग ढंग से इसको बताने की कोशिश की है. मगर एनलाइटनमेंट के बारे में कोई नहीं बोलता है. मगर इस स्थिति को, ये स्थिति कैसी हो सकती है या कैसी लगती है, वो तो उसके आसपास घूमते हैं लोग. ठीक है, मगर उसका जो मूल तत्व है एनलाइटनमेंट का या बोध का, ठीक है, योगिक साइंस की दृष्टि से ये बोध तत्व है क्या? योगिक विज्ञान जो है वो आध्यात्मिक विज्ञान है, और आध्यात्मिक विज्ञान में बोध जो है आत्म साक्षात्कार को कहते हैं. कि बोध हो गया है मतलब आत्म साक्षात्कार हो गया है. आत्मज्ञान वगैरह की नहीं उसमें चर्चा आती, क्योंकि वो उस वक्त परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि आपको ज्ञान हो रहा हो. तो इसमें जो यौगिक आध्यात्मिक विज्ञान ये कह रहा है कि जब ये अभी आपने जो हमें सुनाया कि इतने लोग इस तरीके से बोलते हैं, तो ये जो बोध की व्याख्या की जा रही है, बोध पे प्रवचन किए जा रहे हैं, बोध पे सत्संग किए जा रहे हैं, ये जो बोध की तरह तरीके से उनके क्वेश्चन बना के और उनके आंसर दिए जा रहे हैं, ये एक सत्संग तरह है. ये एक जो शास्त्र में शब्द उठा लिए, शब्दों से वो गुरु जो सुना रहा है, वो आंसर दे रहा है, वो प्रसन्न वाचक पर भारी पड़ रहा है.
तो ये जो भारी पड़ रहा है इसलिए वो मजबूरन उसको स्वीकार कर रहा है और मुस्कुरा भी रहा, हंस भी रहा और उसको हाँ भी कर रहा है, मान भी रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि हमारे से ज्यादा ज्ञानवान आदमी है। ज्ञानवान से बोध नहीं होता कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़ी आपने एजुकेशन हासिल की, तो आप को बोध होना चाहिए, ऐसा संभव नहीं, ये चीज ठीक नहीं है। जो एक्चुअल यथार्थ पोजीशन है वो मैं एक बार पहले ही बता चुका हूँ कि ये बोध की स्थिति किसी प्राणी के जीवन में कैसे बनती है ये मैं बता चुका हूँ पहले ही, तो उस पर अभी आज विचार नहीं कर रहा हूँ। आज विचार कर रहा हूँ कि जो बोध की स्थिति स्थित कैसे है, इस पर विचार कर रहा हूँ। तो हम एक विचार ये कर रहे हैं कि बोध की स्थिति और स्थित कहाँ और कैसे, किन तरीकों से हो रही है, उसकी सिस्टम क्या है, उसको वो कैसे आभास में आ रहा है, आभास हो रहा है उसका। तो बोध की स्थिति में ऐसी एक स्थिति है कि वहाँ पर आपका कोई समय नहीं होता, कोई आपका स्थान नहीं होता, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता, किसी प्रकार का कोई आपके हाथ में कॉपी पेंसिल नहीं होता, किसी प्रकार का आपका कोई शरीर नहीं होता, जो किसी प्रकार का आपका कोई केंद्र नहीं होता, जो भी बात हमने सुनी कि केंद्रित होना तब ये, किसी प्रकार का आपका कोई अहंकार नहीं होता, कोई जितने भी शास्त्र में शब्दों पे सत्संग किए जा रहे हैं ये उस स्थिति में स्थित नहीं है। बोध की स्थिति में नहीं है जी। तो दूसरी उसकी बोध की स्थिति अपने आप से अपने आप को जानना, अपने को अपने आप से अपने आप में देखना, ये बोध की अपनी एक स्थिति है। हमने एनर्जी पे बात नहीं कर रहे हैं कि वो परमात्मा देख रहा है या वो इलेक्ट्रॉन देख रहा है, मैं इस पे बात करें या वो आपका साक्षी देख रहा है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अपने आप को अपने आप में देखना, बस आमना सामना होना। तो वो जो बोध की स्थिति है वहाँ पर किसी तरीके का कोई कॉपी पेंसिल नहीं, किसी तरीके का कोई ज्ञान नहीं है, और उसकी तीन स्थिति है। तो तीन स्थिति में, पहली स्थिति में पड़ी हुई एक चतुर्भुजाकार को वो ऊपर से देखता है, ऊपर से नीचे की ओर देखता है। कौन देखता है? वो देखने वाला जो देखता है, अपने आप में जो अपने आप को देख रहा है। अच्छा। अपने आप से अपने आंखों को देख रहा है, जो बोध की स्थिति है, बोध की स्थिति में। हाँ, बोध की स्थिति में। उसे भले ही बाद में ये हम शास्त्री नाम दे दें कि वो दृष्टा है, दृष्टा है, मगर वो देख रहा है। तो वो जो देख रहा है वो उसको जो देखने वाला है वो परख भी रहा है और वो उसे वही उसको समझ भी रहा है और वो वहां पड़ी हुई स्थिति में वो वहां चलायमान है। उसकी ये स्थिति जैसे ही अपने आप ही हटी है और हट गए, हटने के बाद दूसरी स्थिति आई तो बिल्कुल सामने स्थिति आ गई। तो सामने स्थिति आ गई तो वो एक अंडाकार है स्थिति, वो जो नीचे पड़ी हुई चीज है वो उसके सामने है। नहीं, उसका उसका एक भाग, उसका एक भाग, उसका एक भाग इस वक्त सामने है जी। और उसका अंडाकार जो नीचे पड़ी हुई चीज है उसका एक भाग सामने है, वो सामने देख रहा है। तो सामने देख रहा है, वो भी चल रही है, उसके अंदर का भी जो सिस्टम है चल रहा है। मैंने पहले ही भाई इस विषय पे बात करी कि वो अंदर का सिस्टम कैसे चल रहा है, वो भी चल रहा, वहां पे भी चलायमान है, उसको भी उसने देखा है और देख करके उसकी स्थिति उसने वहां पर भी समझी है, वो अपने आप समझ में आ रही है। वहां कोई बताने वाला नहीं है, नाम कोई नहीं है, वो उसने वहां पे अपने आप देखा है, अपने आप समझ लिया है। तो जो समझ लिया है वो एक स्थिति है उसके। वो स्थिति जैसे ही ओझल हुई आंखों के सामने से तो दूसरी स्थिति ऊपर की तरफ हमने जब देखा तो वो उसी स्थिति जो वहां पे चतुर्भुजा पड़ा था उसका थोड़ा मीडियम, उसमें तो छोटे छोटे थे, उसमें ऊपर वाला थोड़ा मीडियम था, वो नीचे की तरफ गिरा। जैसे ही नीचे की तरफ गिरा तो वहां एक सामने वही जो पीछे अंडा दिखाई दिया था वो अंडे के बाहर से दूर से गिरा और गिर करके वो उसने चला। तो हमारी दृष्टि नीचे की ओर थी, सामने की ओर थी, अब हम ऊपर की ओर देखते हैं। ऊपर की ओर देखने के जब हमने ये तीन स्थिति की आमना सामना हो गया और तीनों को हमने देख लिया
और तीन तरीके से देख लिया, तीनों की चाल हमने देख ली, और तीनों की हमने थोड़ा सा जो हम नहीं हम अपने को बोल रहे हैं, जो वहां देख रहा उसकी बात कर रहे हैं, जो देख रहा है उसको इस बात का आभास भी हो गया, उसके तत्पश्चात ये हटी तीन ये स्थिति हट गई, तो एक ब्लाइंड स्थिति सामने से निकल गई, बिल्कुल पैलर सामने तेजी से बाएं हाथ से दाहिने की ओर वो निकल गई एकदम ब्लाइंड, जैसे कोई मिसाइल थी जा रही हो, अंडाकार मिसाइल थी जा रहे हो, इस तरीके से तेजी गति से निकली। इसकी भी स्थिति उसको बोध के समय समझ में आ गई, समझ में आ रही कि अब ये क्या चीज हो सकती है, तो वहां बताने वाला कोई नहीं है, मगर ये चीज अपने आप समझ में आती है। तो ये इसमें इसमें तीन स्थितियां हैं बनने बिगड़ने की, इन्हीं से हमने अभी तक जो अभी तक जितने एपिसोड गए हमने ये सत्संग जैसी कोई बात नहीं करी है, हमने ये हमेशा प्रयास किया है कि ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ है या नहीं है इस पर भी हमने बात कर ली है, ये उसमें कैसे स्थित है और वो तीनों इसमें कैसे स्थित है, और ये जिसे घटना बढ़ना यहाँ आप जानते हैं और जिसे हम वहाँ तीनों को जानते हैं, तीनों में वहाँ से कभी उसने कोई एक अगला जनरेशन नहीं बनाई, और यहाँ पर भी जो टोटली स्थित है इसमें किसी तरीके की जो कोई आदमी जनरेशन नहीं बना रही, पैदा नहीं हुए, ये टोटल जितने भी हैं काल्पनिक अणु हैं वो वही हैं सारे के सारे, इसमें कोई घटबड़ नहीं होते, इसमें अदलना बदलना होता, इसमें कोई पैदा नहीं होते। तो पैदा होने के लिए जैसे हम पैदा हुआ समझते हैं, वो भी स्थिति हम कहीं से एक मूल में क्रिएट करके उसको हम जो पैदा होना कहते हैं, तो वो माल यहीं का होता, माल ब्रह्मांड के बाहर का नहीं होता है, तो उसे हम पैदा होना कहते हैं। ब्रह्मांड के बाहर की कोई चीज नहीं लाई गई, सब ब्रह्मांड के अंदर की सारी टोटली जितनी है उतनी है, उसे अदलना बदलना जो कहेंगे उसे पैदा होना भी हम जानते हैं, अनेक प्रकार के ज्ञान है, अनेक प्रकार की यहाँ स्थिति है, वो एक अलग चीज है। वो जो एक प्रकार की मैंने बताई है वो जो स्थिति, ये बोध की ये उसका तरीका है, और इसे इसे ऐसी परिस्थिति और ऐसी स्थिति में बोध होता है, और होने के बाद बाद में फिर ज्ञान आता है, बाद में समय होता है, बाद में स्थान होता है, बाद में कॉपी पेंसिल होती है, बाद में हमारे व्याख्यान होते, बाद में हम भी आपको ये एपिसोड के द्वारा बता सकते हैं, उसी वक्त उस समय पर कोई एपिसोड नहीं था, कोई कुछ नहीं था, किसी तरीके वहां पर था ही कोई नहीं। मतलब कि सर मैं जो कुछ भी अभी तक आपने बोला उससे हम ये समझ सकते हैं, पहले तो बोध की स्थिति है अपने आप को अपने आप में देखना, देखना या जानना, हम कोई भी शब्द दें, ठीक है, वो बोध की स्थिति है। बोध की स्थिति, अब इस बोध की स्थिति ऐसी स्थिति है कि इसकी तीन स्थितियां इसलिए कि तीन चीजें आप अलग अलग स्थिति में देख रहे हैं, है ना, जीवात्मा को पड़े हुए देख रहे हैं, ठीक है, अपने सामने देख रहे हैं और ऊपर देख रहे हैं, मगर जो बोध की स्थिति है वो वैसे की वैसी आपकी, हाँ, ये सारी कैलकुलेशन वही है, वो कैलकुलेशन वही है, बोध की स्थिति वही है, ठीक है। इसके बाहर जितनी भी चीजें हैं वो सारी काल्पनिक है, जगत है, रचनाएं हैं, ठीक है, मगर वो भी कल्पित इसी के अंदर है, हाँ, वो कल्पित इसी में इसी के अंदर कल्पित, इसीलिए मैं ये बात कह रहा था बहुत देर से कि वो कैसे है इसमें। हाँ, तो बोध की स्थिति में इसका मतलब ये कि बोध की स्थिति में हमें मूल की स्थिति प्राप्त होती है, मूल की बोध में मूल की स्थिति में हम होते हैं, ठीक है, और उस मूल की स्थिति में ही जगत कल्पित है, कल्पित पूरा ब्रह्मांड कल्पित है, है ना, क्यों, क्योंकि कुछ नई चीज नहीं बना रहा, ठीक है, और वो जो मूल चीजें हैं, मूल जो एलिमेंट हैं, हाँ, जो तत्व है, उन्हीं में से चीजें लेके, ठीक है, रचना होती, हाँ, है, बनाने के ढंग से चीजें घटती हैं, बढ़ती हैं, है ना, मगर कुछ नई चीज नहीं बनती है, है ना, और कुछ मरती नहीं है, खत्म नहीं होती, ना कुछ बनती है, तो ये बोध की स्थिति है। इस स्थिति में न समय है, क्योंकि जहाँ पे समय और स्थान है वहां पे फिर जगत है, रचना है सारे, हाँ, वहाँ है ना, वहाँ वो उसी का अंदर है, हाँ, मगर फिर भी वो नहीं है, नहीं, नहीं, क्योंकि वो अपने मूल में, मूल में स्थित, मूल में स्थित है, स्थित है, है ना, हाँ। So whatever friends, whatever we have discussed, okay, one thing is very clear that the enlightenment is the realization of oneself or the realization
of the fact that one is totally enlightened and one is situated in the original states or the mool sthiti. Okay, so this is what enlightenment is, simple. And the whole cosmos is, you can say, imaginary. Okay, it appears to exist, okay, in the original states of the being. So from the state of enlightenment, we can see the things as they are. We can see the whole cosmos, the state of the whole cosmos, and also the original states. Okay, so this is what enlightenment is. It is very, very simple, but people, say so many complex things about enlightenment, that you will do this, then you will get to the enlightenment, or means you will have to break whatever you have accumulated. You will have to go beyond your body, your mind, and then you can get to the state of enlightenment. But from the yogic science point of view, it is very simple. It is to know oneself, in oneself. This is the state of enlightenment, or both. And in this state of enlightenment, everything is crystal clear. Everything, we can know the things as they are. We can know the whole cosmos. We can know the original states of being. We can know the person who is the witness to everything. Thank you.